नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे राजगीर स्थित वेणुवन के बारे में। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि रमणीय आनंदम राजगीर है, रमणीय वेणुवने कलंदन निर्वाणो, अर्थात आनंदमयी राजगीर स्मरणीय है और रमणीय है वेणुवन का कलंदन सरोवर। बुद्ध के इन्हीं कथनों को ध्यान में रखते हुए आज हम वेणुवन को एक रमणीय केंद्र के रूप में देख रहे हैं। भगवान बुद्ध यहाँ अपने शिष्यों के साथ अनेक वर्षवास बिताए और चतुर्मास किए थे। भगवान बुद्ध द्वारा लिखा गया यह श्लोक अब मानो एक बार फिर से अक्षर सा दिखाई देने लगा है। वेणुवन का यह मनोरम दृश्य प्रकृति की सौंदर्य को अपने में समेटे हुए है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान बुद्ध एक बार फिर से वेणुवन आ गए हों और इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वेणुवन से पहले हिस्से में थाईलैंड स्तूप देखने को मिलेगा। वेणुवन का पूरा क्षेत्रफल 21.33 एकड़ में फैला हुआ है। जब आप वेणुवन को घूमने के लिए तीन अलग भागों में बांटा गया है, इसका पहला भाग वेणुवन बिहार के रूप में है, जहां आप ऐतिहासिक स्थान पूर्ववत अवस्था में देख सकते हैं, जिसमें बौद्ध धर्मावलंबियों से जुड़े विपश्यना केंद्र, ध्यान कक्ष, भगवान बुद्ध की प्रतिमा इत्यादि है। इसके कलंदन सरोवर के दक्षिण और उत्तरी छोर पर सीढ़ियों की हटाकर पश्चिमी छोर स्थित विपश्यना केंद्र से सीधे सरोवर के तट तक एक नई सीढ़ी का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर छोर पर सरोवर के तट तक एक रैंप सा डेक बनाया गया है, जबकि दक्षिणी छोर से पुरानी सीढ़ी को हटाकर आकर्षण सर्पाकार सीढ़ी बनाई गई है। अगर आप रात में वेणुवन में जाते हैं तो यहाँ पर आकर्षक रोशनी का लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसे में देर शाम को लोग वेणुवन में जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा स्टॉप एग्जिस्टिंग थाईलैंड स्तूप, हर्बल गार्डन, जैन यानी कि जापानी गार्डन, माउंटेन गार्डन और पॉप्ड प्लावा तथा लैक एस्केप सहित फीचर पॉकेट बनाए गए हैं। यहाँ आप अपने आप को प्रकृति से काफ़ी पास होने का एहसास महसूस करेंगे। वेणुवन के दूसरे हिस्से में बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं वाले 10 उपदेशक हस्त देखने को मिलेंगे। वेणुवन के दूसरे हिस्से में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर राजस्व एवं भूमि विभाग ने 4.4 एकड़ की भूमि पर विशाल गार्डन का निर्माण जो है वो किया गया है। इस गार्डन में आपको भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाले 10 उपदेशक हस्त संकेत स्तंभ बनाए गए हैं। इस स्तंभ को लेकर बताया जाता है कि यह वेणुवन में भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के रूप में बौद्ध स्तंभ है। राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट ब्लॉक के निर्मित स्तंभ में उड़ीसा के भुवनेश्वर से मंगाए गए खंडोलाइट पर्वत से 10 हस्त संकेत को मुद्राएं सेट की गई हैं। इनके चारों ओर 8 छोटे तालाब हैं जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। यहाँ बौद्ध धर्मावलंबी भगवान बुद्ध की अलौकिकता का एहसास उनके उपदेशक हस्त संकेत के सानिध्य से कर सकेंगे। वेणुवन के तीसरे हिस्से में आपके लिए मनोरंजन का स्थान निर्धारित किया गया है। वेणुवन के तीसरे हिस्से में भगवान बुद्ध का स्टैचू गार्डन है, जिसमें बुद्ध की 10 मुद्राओं की उपदेशक मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसमें उनके उपदेश देते भगवान बुद्ध नजर आएंगे। यहां बच्चों के लिए अम्यूजन पार्क एक से बढ़कर एक खूबसूरत व खुशबूदार फूलों से लैस फ्रेग्रेंस पार्क, कला सह प्रदर्शन के लिए एमपी थिएटर शो, कैफेटेरिया कम कैंटीन, टॉयलेट ब्लॉक और टिकट बुकिंग काउंटर तथा पार्किंग जोन बनाए गए हैं। वेणुवन के इतिहास को लेकर बताया गया है कि आज से करीब 2500 वर्ष पुराना ईसापुर में राजा बिंबिसार ने अपने रॉयल गार्डन वेणुवन बिहार को भगवान बुद्ध को भेंट किया था। उस काल में बुद्ध के अप्रीतम रहे इस आश्रम व ध्यान केंद्र का उल्लेख आज भी बौद्ध धर्म के ग्रंथों में अंकित है, यानी कि उसे हम देख सकते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ कई वर्षों बाद चतुर्मास किए थे। यहाँ पर उनका आश्रम भी था। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य यानी कि बिहार सरकार ने इसके विस्तार और सौंदर्यीकरण की योजना बनाई थी। कुल 21.63 एकड़ में 27 करोड़ की राशि से वेणुवन का स्वरूप गढ़ा गया है। आज जब हम वेणुवन जाते हैं तो सच में जिस तरह के उद्धरण यानी कि जिस तरह के प्रतीक हमें वेणुवन में बुद्ध के समय के ग्रंथों से मिलते हैं, उसमें आज कुछ भी कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वेणुवन एक ऐसी जगह है जहां आप हवा के पास में बैठेंगे, वहां जब आप किनारे में किसी सरोवर के किनारे में बैठेंगे, किसी तट के किनारे में बैठेंगे, तो आपको अपने आप को जो है प्रकृति के काफ़ी पास होने का एहसास मिलेगा।
कभी भी आप राजगीर जाएं तो एक बार वेणुवन जरूर जाएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।